गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी वो फोर्स की लूट फौज का हथियार फौज का जहाज यहां लाने का काम हुआ ये भारत के लोग सीमा पर शहादत दे रहे हैं और डकैती डालने का काम वो फोर्स में हुआ है डकैती हो गई है रफेल माफ करना मैं बोल बोला था रफेल हिंदू में ए नाम जो सबसे बड़ा पत्रकार देश का है आज टेलीकाप में इनने डकैती डाली है ये साबित होने वाला है आगे आगे और इनकी डकैती का फोन खोलने वाला है बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद माफी चाहता हूं रफेल 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 शारद जी ने ठीक किया है शारद जी ने कभी कभी बोलने से हमारे मुख से निकाल जाता है कोई पुराना बात लेकिन ठीक है नहीं नहीं और राफेल है करने के लिए ज्यादा लंबी चौड़ी बात करनी पड़ती छोटी छोटी एक पंक्ति में आपके बीच में व्यंग करता हूँ बहुत बड़ा व्यंग है एक घटना आपके बीच में रखता हूं हमारे देश की धर्मनिरपेक्ष राजनीति कहा से चली और कहा तक पहुंच गई एक घटना घटी गोधरा में एक ट्रेन जली उनसठ हिंदू तीर्थयात्री जिंदा जल के लाख हो गए देश के किसी धर्मनिरपेक्ष नेता ने इस घटना के विरोध में एक शब्द नहीं बोला क्यों नहीं बोला ये जानकारी आज तक किसी के पास में नहीं है <laughs> ये खाली मेरे पास में आ, बात। मेरे पास में इसलिए आपको बता रहा हूं धर्मनिरपेक्ष राजनीति पर मेरा दावा है कोई बड़ा व्यंग नहीं हो सकता जो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ उनसठ हिंदू तीर्थयात्री जिंदा जल के राख हो गए देश के किसी धर्म नेता ने इस घटना के विरोध में एक शब्द नहीं बोला इसलिए नहीं बोला क्योंकि जल के मरने वाले तमाम तीर्थयात्री हिंदू थे और हिंदू परंपरा के अनुसार जलाने का रिवाज होता है मरने के बाद नहीं जलाया जिंदा जलाया लेकिन उनकी धार्मिक मान्यता परंपरा के अनुसार काम हुआ इसलिए देश के किसी धर्म निरपेक्ष नेता ने इस घटना के विरोध में एक शब्द नहीं बोला लेकिन इसके बाद जब गुजरात का वातावरण बिगड़ा और तो मुसलमान भाइयों को जिंदा जलाया जाने लगा तो देश के तमाम धर्म निरपेक्ष नेताओं ने पूरे देश में हककर मचा दिए और बोलो मुसलमान भाइयों को जिंदा जला रहे मुसलमान भाइयों को जिंदा जला रहा है, है उनकी तकलीफ ये नहीं थी कि मुसलमान भाइयों को मार रहे <laughs> जोरदार तालियां शांति के लिए वाह उनकी, उन... वा। उनकी तकलीफ ये थी कि यार इनमें जलाने का का नहीं यारिवाज उठा आपको मारना है तो भले ही मारो जलाओ मत वालों ये देश की धर्म तो पता नहीं चल रहा है इसके बाद जब गुजरात का सारा वातावरण बिगड़ा कई बार कुमार भाई संकट इसलिए पैदा हो जाते हैं कि आदमी को जहाँ होना चाहिए वहां होता नहीं तब भी संकट पैदा हो जाता है इसके बाद जब गुजरात का वातावरण बिगड़ा तो देश के तमाम धर्म निरपेक्ष नेताओं ने पूरे देश में हाघे थी बोले गुजरात से नरेंद्र मोदी को हटाओ गुजरात से नरेंद्र मोदी को हटाओ मेरा भी दिमाग खराब हुआ मैंने तुरंत हटाओ <laughs> कोई जरूरत नहीं इस आदमी की गुजरात में इसको दिल्ली में लगा अब गुजरात में हो गया अब इस आदमी की जरूरत वहां पड़ रही और ये टाइम पे इसको लगा आज इनको ये दिन नहीं देखना पड़ता संकट इसलिए भी पैदा हो जाता है और एक समस्या और एक समाधान सारा वातावरण सारा घटनाक्रम जब ये निपटा तो ये सब कुछ निपटने के बाद देश के तमाम धर्म निरपेक्ष नेताओं ने आपको याद होगा याद दिला रहा हूँ सारा घटनाक्रम निपटा इसके बाद देश के तमाम धर्मनिरपेक्ष नेताओं ने माननीय सोनिया गांधी के नेतृत्व में राजघाट पर धरना दिया काय के लिए देश की धर्मनिरपेक्षता को मजबूत बनाने के लिए अगले दिन मैंने उनसे संपर्क किया देखना देश की बहुत बड़ी समस्या का समाधान बता रहा हूँ अगले दिन मैंने सोनिया जी से संपर्क किया मैंने मैं क्यों जी धर्म निरपेक्षता मजबूत हुई बोले हाँ। नहीं हुई <laughs> मैंने मैं बताऊ कैसे होगी <laughs> मेरे पास तो समाधान बोले बताओ मैंने कहा देखो जी राजघाट पे धरना देने से काम नहीं चलेगा वो बोली फिर कैसे चलेगा मैंने कहा जिस दिन देश के तमाम धर्मनिरपेक्ष नेता राजघाट के अंदर समाधि ले लेंगे उस दिन देश की वंडर